की टीम गाइस और प्रचाहक से मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा नेचर है सभी का। शायद ये आपके पास ही आना चाहते हो। हाँ ये लिए इस चीज पे क्या है ना, हेयर कट तो मैंने करवा लिया और आप ही बताना कमेंट करके कि मेरा हेयर कट आपको कैसा। ये भी दिखा दो, ये नहीं दिखाया हमने, वो सब दिखा दिया। बीच में हम लोग जो हैं वो थक चुके हैं तो हमें मिल रही है रिफ्रेशमेंट और ये मेरे नेल्स देख सकते हैं आप अभी। तो गाइज देख सकते हैं मेरी ये नेल आर्ट और कितनी प्यारी लग रही है ना। और अगर हेलो गाइज कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं है तो आप सब जानते हैं ना मेरी वीडियो देखकर डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो आज हम आए हैं पंजाबी चाप कॉर्नर पर। यहाँ पर हमने बहुत ही डिफरेंट टाइप की चाप जो है वो ट्राई की, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और मज़ा आ गया उनको खा के। और आप यमुनानगर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मस्ट ट्राई गाइज, सच मैं कह रही हूँ जेन्युइन रिव्यू है कि यहाँ की सभी चाप, मतलब ईच एंड एवरी चाप जो थी वो बहुत टेस्टी थी। और मैं इतनी चाप की शौकीन नहीं हूँ बट मतलब रुका नहीं जा रहा था, इतनी यम्मी और टेस्टी थी ना, मज़ा ही आ गया। और बस हम लोगों ने ट्राई की, फिर हस्बैंड ने भी ट्राई किया इसको और हस्बैंड को तो बहुत मज़ा आया, वो उनकी तो फेवरेट है और ये वाली ग्रीन वाली ना हस्बैंड की फेवरेट थी। तो अभी मैं इसका नाम भूल गई हूँ और इंस्टाग्राम पर मैंने फुल वीडियो अपलोड किया है। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। और यहाँ पर ये लेग पीस ट्राई करने जा रहे हैं जो कि शुद्ध शाकाहारी है और हस्बैंड को ये बहुत पसंद आया, उनको तो मज़ा आ गया इसको खा के और वो भी खुद भी शुद्ध शाकाहारी हैं गाइस। तो बस उसके बाद जो है हमने चाप खाने के बाद अगले दिन का मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब जो जो मुझे लगा ना वो सब मैंने इसमें अपलोड किया है। और यहाँ पर मुझे करवानी थी कटिंग और उसके लिए मैं आ गई थी सिमरन ब्यूटी पार्लर पर। और ये भी फुल वीडियो जो है वो मेरे इंस्टा अकाउंट पे है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ भी डाल दूंगी इनका कॉन्टैक्ट नंबर। और बस ये देख सकते हैं आप, मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेयर कट दिया, मुझे लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं कटवानी थी और मैम का नेचर भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे मतलब फ्रंट लेयर टाइप कुछ लुक दिया है और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ लुक जो है वो मैंने करवाया है और मुझे काफ़ी पसंद आया। तो देख ही सकते हैं ये मेरा है फाइनल लुक, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कमेंट करके, और मुझे तो सच में बड़ा ही प्यारा लगा। तो हेयर कट तो मैंने करवा लिया और आप ही बताना कमेंट करके कि मेरा हेयर कट आपको कैसा लगा। और मेरे को हेयर कट कराने की ज्यादा जरूरत है और मुझे ना मतलब आदत नहीं है बिल्कुल भी ऐसे ओपन हेयर की, और मुझे ना लॉन्ग हेयर ही अच्छे लगते हैं, मतलब शॉर्ट हेयर मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। बट इन्होंने ना बहुत अच्छा सा मतलब कट दिया है मुझे कि आपका ना मतलब ये शौक भी पूरा हो जाएगा। और मुझे ना बहुत ज्यादा लेंथ कट करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है बालों की, तो बस अभी निकले हुए हैं हम लोग और हेयर कट के लिए निकले थे। और आज मेरे इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोवर्स जो है वो पूरे हो गए हैं, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो बस आज उसी की प्रिपरेशन करनी है, आज करना है केक कट और बच्चे आए हुए हैं और वो डेली बोलते हैं, केक तो मैं कल ही ले आई थी और वो डेली बोलते हैं कि मामी कब हम कट करेंगे, तो बस जल्दी करते हैं दोस्तों। और थैंक यू सो मच आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। तो बस अब घर जा रहे हैं तो मिलते हैं घर पर ही। तो दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट टाइम करा रही हूँ मैं नेल आर्ट और आर्टिस्ट को हमने घर ही बुला लिया है, तो आपको भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी मैं हमारे आर्टिस्ट का, अगर आपको भी करवाना है तो आप इनसे करवा सकते हैं और आपको मेरी नेल आर्ट देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ गाइस। सभी आज पढ़ने के मूड में हैं, सभी अपने स्टडी में बिजी है और सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे फना के लिए हो रही है, आज दिल लगा रहा है
रेडी नहीं हुई हूँ और सुबह से मैं बस इसी में ही लगी हूँ। इतना टाइम लग गया ना, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एक घंटे से ज़्यादा हो चुका है और यही चल रहा है और मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है इसकी और, पर मज़ा भी बहुत आ रहा है। अभी तो मज़ा आ रहा है, बाद में देखते हैं कैसा रहता है मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस। और अगर आप यमुनानगर से मेरी वीडियो देख रहे हैं और यमुनानगर के भी कहीं भी आसपास से देख रहे हैं, तो अगर आपको भी ये सब करवाना है ना, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सब उनका कॉन्टैक्ट नंबर जिनसे मैंने ये करवाया। आप भी ज़रूर जो है ट्राई करवाना। अभी तो इसलिए फुल हुआ नहीं है पूरी तरह से, और जैसे ही होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फुल एक ब्लॉग भी डलेगा। तो गाइस बीच में हम लोग जो हैं वो थक चुके हैं, तो हमें मिल रही है रिफ्रेशमेंट। और ये मेरे नेल्स भी देख सकते हैं आप, अभी जो रेडी नहीं हुए हैं। तो बस अब मैं खा रही हूँ मैगी, तो आप भी खाइए गाइस। तो गाइज देख सकते हैं मेरी ये नेल आर्ट और कितनी प्यारी लग रही है ना। और अगर आपको भी नेल एक्सटेंशन करवाने हैं तो होम सर्विसेज भी अवेलेबल है, नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हैं वीना मैम, और इस वीडियो में ना मैंने 2-3 दिन के क्लिप्स जो हैं मर्ज किए हैं, आपको पता लग ही रहा होगा। और मैम ने किया मेरा मेकअप, और देख सकते हैं ये है उनकी पूरी टीम, और बहुत ही मज़ा आता है मैम से मिलके ना, मतलब मज़ा आ जाता है। और ये इनकी प्रोफाइल है जो कि मैंने शेयर कर दिया, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आज मेरे 10K इंस्टाग्राम पे कंप्लीट हो गए हैं, और थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। उसी खुशी में आज 10K का केक कटिंग हो रहा है, और सब कुछ आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही है, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो फर्स्ट केक की बाइट आप सब के लिए, और इसे तो मैं ही खा लेती हूँ। हेलो गाइस, तो ब्लॉगिंग आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आप शायद पता नहीं आप लोगों ने ये ब्लॉग देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो बस आज मैं एक स्पेशल इवेंट पे जा रही हूँ, और आप सबकी ब्लेसिंग से ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ कि मुझे ये मौका मिला। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ, और बच्चे हाय कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए। तो देखिए मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ और कहाँ मैं जा रही हूँ, सब आपको आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप भी मेरे साथ। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ पॉडकास्ट के लिए, थंबनेल में आपने पिक तो देख ही ली होगी, और ये पॉडकास्ट जो है वो इस हफ्ते तक आ जाएगा, देखना मत भूलना। मैं उसका लिंक जो है वो इंस्टा प्रोफाइल पे और यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी उनका चैनल, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ मेरा पॉडकास्ट आने वाला है। और बहुत ही मज़ा आया, दिल खोल के सब बातें कह डाली हैं उसमें, जिनको मैं जो कुछ आपको भी अभी तक मेरे बारे में नहीं पता उस पॉडकास्ट के जरिए सब कुछ पता लगने वाला है। तो बहुत ही मज़ा आया, और देख सकते हैं आप यहाँ का माहौल कैसा है और कैसा हो, किस टाइप से होता है पॉडकास्ट, सब जो क्लिप्स हैं वो सब मैंने आप इस वीडियो में ऐड किए हैं, तो देखिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया कि मैं कहाँ के लिए रेडी हुई थी, और बस होप सो कि सब अच्छा हो जाए। और ये है प्रचाहत, और ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं हमारे यमुनानगर में, इन्होंने अपना पॉडकास्ट आप सभी कर रहे हैं, और बेसिकली इस पॉडकास्ट में आप लोगों को जो आस्था ब्लॉग्स आप देखते हो उनको और भी पर्सनली जानने को आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और जो मैम का पॉडकास्ट आएगा उसे भी अच्छे से देख लेना, सीखेंगे जानेंगे कि कैसे वो लाइफस्टाइल के साथ साथ फूड का हमें स्वाद अपनी वीडियो में दिखाते हैं। ये ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा हमारा, ये तो आप हो गए ये थोड़ा सस्पेंस रहेगा मेरे लिए, ये मेरे लिए मेरे दिल से मुझे एकदम ही आया कि नहीं मुझे ये जीना है, मुझे लेके जाना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि मतलब हम सोच के नहीं आते, शायद ये आपके पास ही आना चाहते हो। हां ये लिए किस चीज पे क्या है हम नहीं जानते, तो गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हमें लगता है ये बहुत इजी वर्क है, मतलब
हमें लगता था कि व्लॉगिंग ही बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है, बट पॉडकास्ट में तो भाई बहुत मेहनत लगती है। और प्लीज़ आप लोग भी इन सबको सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, और इनकी मेहनत को कामयाब बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बस अपना प्यार बनाए रखिए। तो कुछ लोग मेरे ब्लॉग में चाहेंगे ये सेटअप को देखना, तो मैं वहाँ पर बैठी थी गाइज, और मुझे इतना मतलब डर लग रहा था ना पहले कि मतलब कैसे होगा, और तो इतने टाइम बाद मैं कुछ नया कर रही हूँ और मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कैसा रहेगा, और बहुत ही अच्छा रहा, मतलब ऐसा लगा कि दिल की सारी बातें बोल दी। और ये है उनकी टीम गाइस, और प्रचाहन से मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा नेचर है सभी का, और पूरी टीम मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ करिए। प्लीज़ इनके इनको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। अपना चैनल का नाम तो बताइए आप। प्रचार के नाम से है, हर जगह आप लोग देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये YouTube पे जाएगा, ये YouTube पे जाएगा, तो बाकी आप लोग सर्च कर सकते हैं प्रचार, हर जगह एक ही है और पूरे वर्ल्ड में इकलौता इस नाम वाला नहीं मिलेगा भी। हाँ, मैं मुझे भी लगा कुछ नया अलग सा ही है। और बाकी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मैम को कि आप आए यहाँ पर, आपने टाइम निकाला और हमारे प्यारा से गिफ्ट लेके आए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू मैम। इतना मतलब प्यारा लग रहा है, और मतलब किसी को ना अच्छा ही लगता है कि आप कुछ लेके आए हो, उनका मान सम्मान रखा है इन्होंने। और ये देखिए कितने छोटू से और गणेश कितने प्यारे लग रहे हैं ना, पर हैं बहुत छोटे। चलिए फिर मिलते हैं, ओके ओके बाय। तो गाइज मेरा पॉडकास्ट जिस भी चैनल पर आने वाला है उसका लिंक मैं जल्दी से शेयर करूंगी, देखना बिल्कुल मिस मत करना, ज़रूर से देखना गाइज, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो का एंड भी यही कर रही हूँ, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।